नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे बिहार 94 शिक्षक भर्ती के बारे में। कुल पद 94,000, इस दिन से आवेदन शुरू। हाँ जी भाई, सही सुना आपने दोस्तों। आपकी दोस्तों डेट आ गई भाई, किस दिन से आपको फॉर्म फिलअप करना है भाई। आपको पूरी जानकारी वीडियो में देने वाले हैं, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं गाइस आपका जैसे मैंने लेते हैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए बिहार टीचर रिक्वायरमेंट 2020। तो गाइस यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट 15 जून 2020। आप दोस्तों इस फॉर्म को 15 जून से अप्लाई कर पाओगे, मतलब कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन के बाद भाई आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर पाओगे साइट के ऊपर आके। सरकारी एग्जाम.com आपको दोस्तों साइट ओपन कर लेनी भाई। इसके बारे में जानकारी अगर आप खुद देखना चाहते हो, आप इस साइट के ऊपर आराम से आके चेक कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फीस पेमेंट लास्ट डेट 14 जुलाई है दोस्तों आपकी। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन 18 जुलाई 2020 है फ्रेंड्स आपकी। और गाइज यहाँ पे देखिए डिक्लेयर मेरिट लिस्ट 23 जुलाई है भाई। और गाइज मान के चलो भाई लास्ट तक, अगर देखा जाए भाई लास्ट तक आपकी भर्ती कब तक फाइनल हो जाएगी भाई, यहाँ पे देखिए डिक्लेयर फाइनल मेरिट लिस्ट 12 अगस्त। भाई आप मान के चलो भाई अगस्त के महीने भाई आपकी जो भर्ती है भाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मैंने आज तक इतनी अच्छी भर्ती भाई कभी देखी नहीं है दोस्तों, मतलब कि इतनी जल्दी प्रोसेस इसमें चलेगा आपका कि आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। आपको मतलब बहुत ही जल्दी इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देखिए बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 18 महीने का DLD प्रोग्राम TAT परीक्षा या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, वो 15 जून से 14 जुलाई तक अपने आवेदन कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है फ्रेंड्स। अगर आपने DLD कर रखा फ्रेंड्स, अब साथ में आपके पास टेट और गाइज CTET की डिग्री है भाई, आप दोस्तों इस फॉर्म का आराम से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और गाइज आगे चलते हैं भाई। और गाइज यहाँ पे देखिए जॉब लोकेशन, अगर फ्रेंड्स बात करें भाई आपके हम लोकेशन के बारे में, आपकी जॉब भाई कहाँ पे होगी भाई, ये जॉब भाई आपको ओनली ऑल ओवर बिहार में आपको जॉब करने को मिलेगी, ठीक है। फ्रेंड्स बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में भाई, यहाँ पे देखिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 37 साल होनी चाहिए। SC ST को भाई इसमें अलग से 5-5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है, आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है फ्रेंड्स। और गाइज यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 94,000, गाइज आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई ये। अगर भाई आप ये फॉर्म फिलअप करते हो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है भाई, आपके पास जॉब आपके हाथ में है बिल्कुल, ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे इसमें। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम स्कूल टीचर की गाइज आपकी पोस्ट है भाई। अगर दोस्तों हम बात करें प्राइमरी टीचर की फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल पोस्ट 42,606 है। मिडिल स्कूल टीचर की गाइज आपकी टोटल पोस्ट 28,638 है। बेसिक एजुकेशन टीचर की गाइज आपकी टोटल पोस्ट 391 भाई यहाँ पे। हायर सेकेंडरी टीचर की आपकी 32,916 टोटल पोस्ट है यहाँ पे। कंप्यूटर टीचर की भाई 1,000 पोस्ट है, 1,000 पोस्ट भाई कंप्यूटर टीचर की ओनली। और गाइज यहाँ पे देखिए पे स्केल एज पर रूल्स के अनुसार आपका रहने वाला भाई। दोस्तों यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको दोस्तों ऑलरेडी बता दिए, आपके पास दोस्तों DLD होना चाहिए भाई, आपके साथ साथ में टेट CTET होना चाहिए भाई एप्लीकेशन डेट से पहले पहले का, ठीक है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और गाइज यहाँ पे देखिए मस्ट हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी, आपके पास दोस्तों डिग्री भी होना भाई बहुत ही अनिवार्य है, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आपको दोस्तों फिर भी कुछ डाउट लगे भाई, आपको कुछ भी मुझसे बात पूछनी हो इस भर्ती के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है, दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो गाइज ये भी साइट गाइज शायद ओपन नहीं होगी भाई, क्योंकि भाई अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए आप लिंक अवेलेबल ऑन 15 जून, भाई 15 जून से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। दोस्तों जब भी आपकी 15 जून दोस्तों आएगी भाई, मैं आपको गाइज स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना भाई, आपको चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों मैं आपको पल पल के अपडेट्स बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में देता रहूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना भाई। आपको कुछ भी डाउट लगता है इस भर्ती रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।